2017 में हमने अपना पहला बजट, उस समय प्रस्तुत किया था। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा यह बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग, मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बनकर के आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं, और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का यह बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। यह बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। महोदय, अमृत काल के इस पहले बजट में रामराज्य की उन अवधारणाओं को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा, एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोडमैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। बजट में अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इज ऑफ लिविंग तक, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वस्थ और स्वावलंबन की ओर, संस्कृति से समृद्धि की ओर, और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को समावित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतर रोडमैप, और उत्तर प्रदेश को उस मार्ग पर ले जाने के एक संकल्प के साथ यह बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है नेता विरोधी दल को बजट के आकार को लेकर के आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट देश का किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। ऐतिहासिक वर्ष का एक ऐतिहासिक बजट भी है। अगर हम लोग 2012-13 की तुलना में देखेंगे तो 3 गुना से अधिक है। 2016-17 की तुलना में देखेंगे तो उनका उस वर्ष का चुनावी बजट था, उस सब के बावजूद उससे भी दुगना बजट है। गत वर्ष की तुलना से देखेंगे तो लगभग 7% वृद्धि के साथ बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।